बहुत सारे पुराने कानूनों को रद्द किया है और कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में उन्होंने संशोधन किया है। जय हिंद साथियों, तीनों सेनाओं का कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 हुआ पारित। इसको ISO बिल 2023 के नाम से जाना गया। राज्यसभा में रक्षा मंत्री जी का जवाब, तीनों सेनाओं को होगा फायदा, जाने कैसे। वीडियो शुरू करो उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, यदि चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 8 अगस्त 2023 को ये प्रेस रिलीज जारी होती है। इसके अंदर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 है, जो कि 4 अगस्त को लोकसभा में पास होने के बाद यह राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब इसमें क्या है, इसको इजी भाषा में समझने के लिए हम इसका हिंदी रूपांतरण में जाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, राज्यसभा ने अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित किया। जैसे कि हमने आगे भी इसको देखा था, इसके अंदर जो ISO विधेयक 2023 के बारे में यहाँ पर बताया गया, जो कि इस प्रकार है, वर्तमान में सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों सेना अधिनियम 1950 यानी आर्मी एक्ट 1950, नौसेना एक्ट 1957 और वायु सेना एक्ट 1950, ये जैसे हमें पता है तीनों सेनाओं में अलग अलग एक्ट हैं। इन्हीं अधिनियमों के कारण सेना, नौसेना और वायु सेना चलती है और अपने अनुशासन के हिसाब से इस पर काम करती है। यदि ये एक्ट न हो तो फिर सेना और सिविल में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा दोस्तों, जैसे हमें पता है। तो इसके अंदर ये जो विधेयक पास हुआ है, इसमें इन्होंने स्लाइटली अमेंडमेंट किया है, पूरा आर्मी एक्ट नहीं चेंज हुआ है, इसमें कुछ पोर्शन चेंज कर दिया गया। वो इसलिए किया गया दोस्तों कि जब एक सैनिक, चाहे सैनिक का मतलब यहाँ पर होगा चाहे वो सिपाही रैंक का हो, जीसीओ रैंक का हो या ऑफिसर रैंक हो, यदि वो आर्मी से है, यदि नावल में वो किसी ईआरई ड्यूटी के बाद चले जाता है और वहां पर सर्व करता है, या नावल वाला एयरफोर्स के अंदर सर्विस कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जब कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस सैनिक के द्वारा हो जाती थी तो उस पर वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो एक्शन नहीं ले पाता था। यदि उसको वो एक्शन लेना है तो उसको पेरेंट्स यूनिट में भेजना पड़ता था। अब वो पेरेंट यूनिट्स में जाएगा, फिर आएगा और उसका जो खर्चा भी होगा, तो उसी को बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब ये एक्ट पास होने के बाद तीनों सेनाओं में, चाहे वो कहीं भी आप सर्विस कर रहे हो, चाहे वो कहीं भी कमांडिंग ऑफिसर है या उससे ऊपर वाला जो रैंक है, वो इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेगा दोस्तों। इस विधेयक का यही मीनिंग। और इसमें आप स्वयं सुनिए राज्यसभा में रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, एक वीडियो क्लिप है, उसको आप देखिए। और माननीय सभापति महोदय, जब भी कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है तो समय की मांग के अनुसार उसे अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी करने की जरूरत होती है। कानूनों के संबंध में भी मैं यह मानता हूं कि यही बात पूरी तरह से लागू होती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की प्रगति में बाधा डाल रहे बहुत सारे पुराने कानूनों को रद्द किया है और कुछ ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में उन्होंने संशोधन किया है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया यह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती देना है। और यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ एक आत्मविश्वास ही पैदा करता है, बल्कि एक यूनिट या एस्टेब्लिशमेंट के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए, और त्वरित निराकरण होना यह अत्यंत आवश्यक भी होता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 का यह प्रोविजन करता है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभापति महोदय, यह बिल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा।